दोस्तों आज एक कोई छोटा सा परिवार है और बेहद मुफलिसी का मारा हुआ है। हालांकि दीपावली आई भी और चली भी गई, तो मैंने सोचा चलते चलते आपको भी उस परिवार से रूबरू कराते चलें, हो सकता है आप लोगों ने भी काफ़ी मदद करें ऐसे छोटे परिवार की। आइए दिखाते हैं कि परिवार कौन सा है, क्या स्थिति है, बात क्या है। प्लीज़ कमान दोस्तों, आप देख सकते हैं छोटा सा परिवार है और बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, बहुत सी लोगों की व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हो गई हैं और अभी भी कहीं पर गांव में कुछ स्थितियां दयनीय बनी हुई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं एक छोटा सा गरीब परिवार है और इनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटा सा छप्पर है। प्रेम करते हैं हर इंसान उतना करता है। तो दोस्तों ये बेचारा परिवार छोटा सा और मुफलिसी का मारा हुआ है, तो इसकी कहीं ना कहीं हेल्प हम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इनके पिताजी से, उनकी क्या स्थिति है। बच्चे को देख करके तो बड़ा तरस आ रहा है। और ये रहे चाचा जी, बैठे हैं, आपको दिखाते हैं। आइए इनके पास से मिलते हैं थोड़ा सा। अच्छा आप ये बताइए, हाँ तो दीपावली तो आपकी आई और गई भी, बिल्कुल कैसे बीती, अच्छा बीता? दोस्तों आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सी सारी व्यवस्था नहीं है। जहाँ भी दिया बना करके, कुल्हड़ बना करके, मिट्टी के बहुत से सारे बर्तन को बना करके किसी तरीके से अपनी व्यवस्था को, अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आए हैं दोस्तों। तो ये स्थितियाँ कब तक ये देखते रहेंगे। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी चाचा जी की थोड़ी मदद करें, हेल्प करें, जिससे इनकी स्थिति में थोड़ा बदलाव आए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अंदर से दिखाइए जो मिट्टी के पात्र हैं। दोस्तों ये मिट्टी के पात्र हैं और ये दिए हैं, दीपक बनाए जाते हैं और इसमें बहुत सी सारी चीज़ हैं। ये उपली रखी हुई है जो हमारे गांव में बनती है और ये दीपक यानी कि दिया बना हुआ है जिसमें दीपक जलाए जाते हैं दोस्तों। तो दीपावली में इनका काफ़ी कुछ चीज़ें बिक नहीं पाई और इसी तरीके से ये अपना जो है इनका जीवन चल रहा है। आइए तो दोस्तों चलते हैं माता जी के पास, मिलते हैं जो इनकी धर्म पत्नी है वो क्या करती है। आपकी तबीयत कैसी है इस समय? ये कुल यार निकला तरह भैया, दवाई कितना कर ना ठीक कर रहे हाथ हुआ में। अच्छा 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 जी, ये बात है। बरसात में बहुत हो जाता है, ये लड़की खाना बनावा थरा नहीं का खाना बना नहीं बना पाते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इनके पास सबसे खास बात ये है दोस्तों, अगर बारिश होगा तो बारिश का पानी बाहर नहीं जाता होगा, सारा पानी घर के अंदर आता है। दोस्तों मालिक की मर्जी है, अब जो वो चाहता है वही होता है। हालांकि दुनिया में तो दो ही चीज़ बड़े हैं। बाबा गोस्वामी दास ने लिखा कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति होते, पैसे से सब काम। तो कहीं ना कहीं इनको पैसे की जरूरत है। चलिए हम इनकी हेल्प करते हैं। दादाजी ये है आपकी हेल्प के लिए। दोस्तों ये 5,000 रुपये मात्र है और 5,000 रुपये बहुत नहीं होते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो को देख करके आप भी अपने घरों के आसपास अगर परिवार मुफलिसी का मारा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप मदद कीजिए। चलो जी आप ये रखिए हमारी तरफ से, ठीक है, और अपनी व्यवस्था देखिए, कभी कोई दिक्कत होती है एक बार फिर हमको याद कीजिएगा। तो दोस्तों आप भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो दादाजी मैं आपकी छोटी सी मदद क्या हूँ, इसके बाद फिर कभी ज़रूरत होती है फिर मैं आता हूँ, ठीक है। और आप बिंदास रहिए, चलिए जाते हैं, ठीक है आपसे ध्यान रखें, ठीक मत।
तो दोस्तों, अब जैसा कि आपने देखा, एक गरीब परिवार था और बहुत ही मुफलिसी का मारा था। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक इंसान होने के नाते हर इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने घरों के आसपास, अपने इर्द गिर्द में कोई भी अगर गरीब परिवार है तो हम आप उसकी एक हेल्प करते चलें, क्योंकि यहाँ तो रहने के लिए कोई आया नहीं है। कुछ पल की है जिंदगानी और एक रोज़ है सबको जाना, परसों की क्या सोचें, एक पल का नहीं ठिकाना। तो दोस्तों, आज हैं कल नहीं रहेंगे, और इसी तरीके से हम जब तक रहेंगे, कहीं भी आते जाते हैं दोस्तों तो गरीब परिवार देखते हैं तो रहा नहीं जाता, हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प, जो जंतुओं को बचाते रहें, गरीब परिवार का हेल्प करते रहें, तो आप भी अगर आप उसके लायक हैं तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों हमारे साथ में, और उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो आप बहुत समझदार हैं। थैंक यू, रहा नहीं जाता, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों ने मुझे काफ़ी मान सम्मान दिया, शायद मैं उसके काबिल नहीं था। ओके, बाय।